Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start physics of class 10th, chapter 13, magnetic effect of electric current, video part 6. And today's topics are, first, magnitude of force, second, force acting on a charge moving in a magnetic field. सो फर्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब अगर कोई कंडक्टर है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसमें कितनी फोर्स लग रही है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उस फोर्स को, तो वो हम फाइंड करेंगे इस मतलब यहाँ उस चीज़ का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी हो सकती है. तो इट हैज़ एक्सपेरिमेंटली बीन फाउंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स जो फोर्स एक्ट करती है किसी भी कंडक्टर पे जो कि परपेंडिकुलर लगती है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है. तो फर्स्ट है इट इज़ डायरेक्टली मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, उस कंडक्टर में से जितना करंट फ्लो रहा है. मीन्स करंट इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगी, और करंट डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज करेगी. दैट इज़ एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ स्मॉल एल ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स जो फोर्स होती है वो उस कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि वो जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर की लेंथ रखी हुई है, जिस भी कंडक्टर है जिसकी लेंथ है, जो भी लेंथ है वो रखी हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. तो मतलब अगर कोई कंडक्टर ज़्यादा लेंथ का होगा, बड़ा लेंथ इंक्रीज लेंथ इंक्रीज करेगी उसकी, तो फोर्स भी इंक्रीज करेगी. उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी तो फोर्स भी डिक्रीज करेगी. थर्ड, डायरेक्टली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड कैपिटल बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, बी से उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगा तो वो भी फोर्स डिक्रीज करेगी, जैसे थर्ड इक्वेशन में शो हो रहा है. देन ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, और जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो वी गेट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल या आई एल बी. देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आ जाएगा के कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है. तो एफ इज़ इक्वल्स टू के आई एल बी. अब एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा गया कि k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 रखने पर k की जगह देन आ गया f इक्वल्स टू आई एल बी. तो ये फोर्थ इक्वेशन जो है वो फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जो फोर्स लगती है उसके फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बी होता है कैपिटल बी, उसकी ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं. तो ऐसा यूनिट उसकी जो होती है वो 1 टेस्ला होती है. देन हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से. तो अगर हमें करंट 1 एम्पियर गिवेन हो, और या किसी वायर कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, और उसकी लेंथ जो कंडक्टर की है वो 1 मीटर हो, और उस पर फोर्स भी 1 न्यूटन लग रही हो, तो 10 टेस्ला इक्वल्स टू मतलब मैग्नीट्यूड बी के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला. तो यहाँ से हम 1 टेस्ला डिफाइन कर सकते हैं. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1 टेस्ला इफ़ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, और उसमें से करंट भी हम 1 एम्पियर फ्लो कर रहे हो, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, तो उसमें 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस होती है. देन जब 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तब जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहलाएगा 1 टेस्ला. देन इस फॉर्मूले में क्या होगा, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था हमने एफ इक्वल्स टू आई बी एल. तो यहाँ से बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल, जो इक्वेशन 5th शो हो रही है. तो हम यहाँ से 1 टेस्ला हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 टी इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर. अभी हमने पढ़ा था फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब हम बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव हो रहा हो तो उस पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस मतलब एक्ट करेगी. तो वी हैव जस्ट लर्न दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. बट वी नो दैट करंट इज़ ड्यू टू द चार्जेस इन मोशन. हमें मालूम है कि करंट जो होता है वो किस वजह से होता है, जो चार्जेस होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं तभी वहाँ करंट प्रोड्यूस होता है. तो इट इज़ क्लियर डेट अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेज अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ मूविंग इन अ
डायरेक्शन पैरेलल टू इट। तो ये हमें पहले ही क्लियर है कि जो चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो कभी तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तभी उस पर फोर्स लगेगी जब वो किसी पैरेलल ना रखा हो उस मैग्नेटिक फील्ड के। अगर पैरेलल रखा होगा तब उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और अगर वो किसी और एंगल पर रखा होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे हम फाइंड करेंगे? तो फोर्स कैपिटल एफ एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग अ करेंट आई when placed in a direction perpendicular to the direction of magnetic field of magnitude capital B is V, capital B is given by, तो हमने पीछे पढ़ा था F is equals to I L B जो first equation में यहाँ show हो रहा है। since current is a rate of flow of charge, जब हमें मालूम है I equals to क्या होता है, rate of flow of charge, तो I equals to Q upon T जैसा second equation में show हो रहा है। तो जब हम second equation की value first equation में रख देंगे तो हम हमें क्या होगा, F equals to Q I T into B। तो यहाँ हमें मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, जो कंडक्टर की लेंथ है वो डिस्टेंस हो गई, और टाइम t। तो यहाँ l अपॉन t जो है आपको दिख रहा है थर्ड इक्वेशन में, तो l अपॉन t की जगह हम क्या रख देंगे, v जो वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल्स की। तो जब हम ये पुट करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन में आ जाएगा f इक्वल्स टू स्मॉल q v इंटू b। फोर्थ इक्वेशन में तो f इक्वल्स टू, f इज अ फोर्स, Q is a charge and V is a velocity of moving charge and capital B is a magnitude of magnetic field which is measured in Tesla. Here we end with this video. In the next video, we will read about electric motor or DC motor, means working of DC motor. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.